नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये जो है किस टाइप का रेड लाइट ब्लिंकिंग हो रहा है। फ्रेंड्स, इप्सन L130 का है और ये जो है कि फ्रेंड्स ये देखिए ये जो है सर्विस रिक्वायर्ड है और इस सर्विस रिक्वायर्ड को जो है कि रेडी करके यहाँ पे हम दिखाना है। वो भी फ्रेंड्स फ्री में आप लोग अपने से कर सकते हैं। मेरे चैनल पर बने रहिए। मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं ये प्रिंटर को कैसे इस प्रॉब्लम को फिक्स करते हैं। सबसे पहले जो करना फ्रेंड्स, आप गूगल माने स्टार्ट पर जाइएगा और कंट्रोल पैनल सर्च कर दीजिएगा। ओके, ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि आपका एक्चुअल आपका प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग व्यू डिवाइस एंड प्रिंटर पे क्लिक किए। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स जो L130 का है प्रिंटर, वहाँ राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद प्रिंटिंग प्रेफरेंस को क्लिक करें। फ्रेंड्स, आज ये वीडियो देखने के बाद 100% जो है कि आप अपने से अपना प्रिंटर को प्रॉब्लम का जो प्रॉब्लम है रेड लाइट ब्लिंकिंग उसको आप फिक्स कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेंटेनेंस जाने के बाद इप्सन स्टेटस मॉनिटर 3 में जो है कि सर्विस रिक्वायर्ड था। ओके, तो ये अगर प्रॉब्लम होता 100% जो है कि इस वीडियो देखने के बाद आप जो है कि प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है करना है फ्रेंड्स, गूगल क्रोम ओपन कर लीजिएगा और गूगल क्रोम ओपन करने के बाद वहाँ पे जो टाइप करना फ्रेंड्स, बने रहे मेरे चैनल पे विदाउट स्किप में पूरा वीडियो देखिए। आज 100% अपना प्रॉब्लम को आप जो है कि फिक्स कर सकते हैं। यहाँ जो है कि WIC रीसेट लिख के जो है कि सर्च करना है। WIC रीसेट टेक्स्ट में भी हम लिख के दिखा रहे हैं फ्रेंड्स, आप लोग जो है कि वहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे WIC रीसेट करके सर्च करने के बाद जो WIC का जो ऑफिशियल वेबसाइट है फ्रेंड्स उसको क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप लोग देखिए यहाँ पे पेज ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद देख सकते हैं विंडोज़ के लिए जो डाउनलोड दिख रहा है फ्रेंड्स, डाउनलोड को क्लिक करना। 2.56 MB का फाइल है, जस्ट छोटा सा फाइल है, इसको जस्ट कीप करना हो फ्रेंड्स। यहाँ पे जो है कि जैसे कीप करेंगे ये फाइल आपका जो है कि सिस्टम पे सेव हो जाए। ये फ्रेंड्स जो है कि ये इसका पेड वर्सन भी आता है एंड फ्री वर्सन भी आता है। यहाँ पे हम आप लोग को जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को करके दिखाने वाले हैं। कोई भी इप्सन का प्रिंटर को आप लोग जो है कि कर सकते हैं, जस्ट इसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल करना फ्रेंड्स। ओके, जो डाउनलोड अभी किए थे उसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना। तो फ्रेंड्स बताना चाहूँगा ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को यहाँ पे हम करके दिखा रहे हैं और आप लोग अपने से भी कर सकते हैं इसको। ओके, और अगर इसका फुल वर्सन चाहिए तो जो कि ऑफिशियल वेबसाइट से भी परचेस कर सकते हैं या हमें कॉन्टैक्ट करके भी इसका जो फुल वर्सन आप ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, विंडोज़ डिफेंडर या कोई एंटीवायरस अगर आपका सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है तो उसको एक बार जो है कि टर्न ऑफ कर लीजिएगा, रियल टाइम प्रोटेक्शन का विंडोज़। ओके, उसके बाद यहाँ जिसे ओपन हो चुका है देखिए जो मॉडल था उसको सिलेक्ट किया और कंटिन्यू यहाँ पे करना होगा। यहाँ जिसे कंटिन्यू करता है फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू रिसेट वेस्ट काउंटर, तो यहाँ पे एक बार जस्ट क्लिक करना होगा। तो आप लोग जो है कि कर लीजिएगा इसको। और यहाँ पे फ्रेंड्स जो की है फ्रेंड्स ये फ्री वाले आज, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को हम फ्री में बताने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है कि आप लोग को जस्ट ट्रायल लिखना है, TRIAL ट्रायल। ओके, स्मॉल लेटर पे यहाँ ट्रायल लिख के जो है कि आपको जो है कि ओके करके फिर यस करना होगा। तो यहाँ जैसे यस कर देता फ्रेंड्स, इससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, प्रिंटर को पहले ऑन ऑफ कर लीजिएगा पहले भी एक बार और ये चीज़ करने के बाद भी एक बार। ओके, अभी जस्ट प्रिंटर को ऑन ऑफ करके ऑन किए और जो कि अभी एक बार हम लोग स्टेटस चेक करेंगे और क्या स्टेटस आता है चलिए हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स एक PC में वन टाइम आप लोग 100% फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका सिस्टम में मतलब एक बार भी यूज़ नहीं किया है, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं WIC रीसेट, तो 100% वन टाइम आप जो है कि फिक्स कर सकते हैं। सेकेंड टाइम के लिए कोई और PC में आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, सेम सॉफ्टवेयर से। तो देखिए यहाँ पे प्रिंटर आपका रेडी हो गया। तो फ्रेंड्स कैसे लगे ये वीडियो प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नया वीडियो साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।